एक तरफ जहां कुछ राज्यों में कोरोना के तेजी से फैलने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में बच्चे कोरोना के वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। पटना की स्थिति यह है कि मेमोरियल हॉल स्थित कोरोना वैक्सीन सेंटर पर एक दिन में मात्र 140 बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। सेंटर पर मौजूद कर्मियों ने बताया कि यहाँ फिलहाल 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन दिन भर में 140 से ज्यादा बच्चे वैक्सीन नहीं लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना को लेकर लोग अब गंभीर नहीं है, वो भी तब जब पटना में ही कोरोना के नए वेरियंट से एक मरीज की मौत की पुष्टि हो गई है। डॉक्टरों दावा है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। हमारे पास तो बच्चे पहुंच पाएंगे तभी ना हम लोग वैक्सीनेशन देंगे सर। हम लोग तो अपने ड्यूटी पर है। स्वास्थ्य कर्मी अपील कर सकती है कि आप आइए। हम लोग जो बड़े लोग आते हैं बूस्टर लेने या फर्स्ट सेकंड डोज लेने, उसको हम लोग बताते हैं कि 12 प्लस का बच्चा कभी यहाँ वैक्सीन लग रहा है, आपके घर में बच्चे हैं तो भेजिए। संसद पर भारत सरकार ने बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आज से एक सप्ताह पूर्व निर्देश जारी किया था, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। ये जो एसकेएम हॉल का वैक्सीनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल उनका जो ड्यूटी है उस ड्यूटी के अनुसार वो ड्यूटी करती हैं, लेकिन हम आपको भी डाटा दिखाएंगे कि इस पूरे वैक्सीनेशन सेंटर पर अभी तक पिछले एक सप्ताह में सिर्फ 140 बच्चों ने वैक्सीन लिया है। ये अपने आप में ये गंभीर मामला है कि आखिर वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे क्यों नहीं पहुँच रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजूहत है। मैडम थोड़ा रजिस्टर दिखा दिएगा जहाँ बच्चों ने लिया। देखिए ये जो है ये लिस्ट है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिस्ट है और इसी ये लिस्ट है। लेकिन अब एक दिन में अब 6-7 दिन हो गया वैक्सीनेशन को, 140 बच्चों ने सिर्फ वैक्सीन लिया अभी तक, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पर जितने पहुँचने चाहिए उतने पहुंच नहीं रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा ही गंभीर सवाल है। मैडम एक गंभीर सवाल है, क्या आप भी अपील करेंगे, हम भी अपने चैनल के माध्यम से, कि बच्चे आए वैक्सीनेशन ले रहे हैं, बच्चे आ नहीं रहे। सर ये 12 प्लस का वैक्सीन तो स्कूल में ज़्यादातर पड़ रहा है गांव-गांव में भी, लेकिन यहाँ भी दवा एक भायल आता है 20 बच्चों के लिए कि जो आए तो पड़ जाना चाहिए। पिछले 7-8 दिनों में सिर्फ 140 बच्चों ने यहाँ लिया है, आपको नहीं लगता संख्या बढ़नी चाहिए? हाँ बढ़नी चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। क्या अपील करेंगे बताइए, बोलो गार्जियन अभिभावक से क्या? हमारे पास तो बच्चे पहुँच पाएंगे तभी ना हम लोग वैक्सीनेशन देंगे सर। मैंने आप हम लोग तो अपने ड्यूटी पर है। हाँ, स्वास्थ्य कर्मी अपील कर सकती है कि आप आइए। हम लोग जो बड़े लोग आते हैं बूस्टर लेने या फर्स्ट सेकंड डोज लेने, उसको हम लोग बताते हैं कि 12 प्लस का बच्चा कभी यहाँ वैक्सीन लग रहा है, आपके घर में बच्चे हैं तो भेजिएगा। देखिए निश्चित तौर पर ये वही लोग हैं जो लोग संक्रमण के दौरान वैक्सीन ले रहे, संक्रमण के दौरान लोगों ने वैक्सीनेशन का काम जिम्मा उठाया था और अब कह सकते हैं कि लोग आ रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वैक्सीन लेने। ये गंभीर सवाल है कि बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए और बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। जब बच्चों की वैक्सीन आ गई है तो हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे, सभी अभिभावकों से अपील करेंगे, परिजन से अपील करेंगे कि बच्चे को वैक्सीन लेने के लिए आप अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर आएँ और स्कूलों में जाएँ और बच्चों को वैक्सीन दिलाएँ और कोरोना से बचाएँ। सहयोगी सुनील के साथ वर्गोबालम, कशिश न्यूज, पटना।